गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं ना। शायद ये लेक्चर अपना 6 होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और शायद लास्ट भी लेक्चर होगा, या हो सके तो एक और बन पाएगा इसमें, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और दोस्तों में शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, ठीक है। तो आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 4.3, वही एनसीईआरटी, ठीक है। टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, एक टैंक को टू टैप मिल करके, मान लीजिए एक बड़ा सा टैप है, एक छोटा टैप है, ये हम बड़ा टैप लेते हैं जिसका डायमीटर ज़्यादा है, और एक पतला टैप है, ठीक है, जिसका डायमीटर कम है, ठीक है। दोनों मिल करके, वो बोला है कि दोनों मिल करके जब भरेंगे, तो दोनों मिल के जब भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 9/8 टाइम टेकन बाय बोथ टैप, बोथ टैप उन्होंने दे रखा है, कितना लगा है भाई, 9/3/8 यही ना, तो कितना हो गया, 75/8 दोनों के द्वारा इतना और लगेगा। आगे क्वेश्चन में वो बता रहे हैं, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 लेस, जो टैप आपको क्वेश्चन ऊपर ना प्ले होगा ऊपर, ठीक है, आप देखिएगा, जो स्मॉलर टैप है वो क्या बोल रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 लेस देन द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन से लार्जर 10 कम लेता है, तो मान लीजिए कि एक्स आवर लेता है, तो ये 10 कम, मतलब एक्स माइनस 10 लेगा भरने में, अगर इससे भरेंगे तो एक्स आवर मैंने माना, तो इसे 10 कम लगेगा। देन उन्होंने बोला है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, दोनों अलग अलग अगर भरेंगे, सेपरेटली भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आसान तो है, अब तो बना लेंगे हम लोग, बोलेंगे लेट है ना, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप के द्वारा टाइम लगेगा एक्स आवर टू फिल वन टैंक, एक टैंक को भरने में कितना लगेगा, एक सावर लगेगा, ये क्या है ना टैंक, ठीक है। एंड बिगर टैंक के लिए बात करेंगे, एंड टाइम टेकन बाय बिगर टैप, यहाँ बिगर टैप लिख देते हैं, बिगर टैप इज इक्वल टू कितना लगेगा, 10 कम, मतलब कितना, एक्स माइनस 10 ध्यान दीजिए, टू फिल वन टैंक, यहाँ ये लाइन का मतलब हो गया टू फिल वन टैंक, एक टैंक भरने में, है ना। चलिए ठीक है, तो एक इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसा करते हैं कि ये एक सावर में भरता है ना, फॉर स्मॉलर के लिए हम यहाँ पे चल रहे हैं ना, फॉर स्मॉलर टैप के लिए अगर हम चलें, तो हम देख रहे हैं कि ये एक सावर में एक टैंक को भर दे रहा है, तो एक आवर में कितना टैंक को भरेगा, इतना टैंक को भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला के लिए भी हम लोग एक आवर में निकाल लेते हैं कि कितना निकलेगा, तो हम उसको देख रहे हैं कि x माइनस 10 में एक टैंक को भर रहा है, ये भी तो एक टैंक को भर रहा है, देयरफॉर ये एक आवर में कितना भरेगा, तो x माइनस 10 टैंक को ये भी भरेगा, ठीक है। अब दोनों के लिए बात करते हैं, फॉर बोथ टैप के लिए बात कर रहे हैं, अब दोनों टैप को एक साथ छोड़ देते हैं, तो उन्होंने बोला है कि इतना टाइम में एक टैंक भर देते हैं, कितना टाइम में, 75/8 में वन टैंक को वो लोग भरेंगे, तो 1 में कितना टैंक को भरेंगे, 1 में 1/75/8, मतलब कितना, इसको आप उलट लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8/75, कैसे किया, ये डिवाइड का काम करेगा, ये ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा बाई 75, इतना आवर लगेगा दोनों जब मिल करके भरेंगे तो। अब यहाँ जब एक एक घंटे का मैं सबका निकाल लिया हूँ कि 1 में ये इतना टैंक भरेगा, जो फोर बिगर टैप, यहाँ बिगर टैप है ना जी, बिगर टैप, यह बिगर टैप जब भरेगा, यह बिगर टैप है टैप, जब बिगर टैप भरेगा तो कितना लगेगा, इतना एक आवर में इतना टैंक भरेगा, दोनों एक आवर में इतना टैंक भरेंगे, तो क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि एक एक आवर को लेकर के, कि एक आवर में छोटा वाला टैप जो है इतना टैंक को भरेगा, कितना टैंक को भरेगा, 1/x, बड़ा वाला एक आवर में इतना टैंक को भरेगा, एक आवर में दोनों को ऐड कर दिया तो एक आवर में दोनों मिल करके भरेगा,
और एक आवर में मिल करके जो जो टैंक भरेगा वो मेरे को दे रखा है। बराबर क्यों किया? क्योंकि एक आवर में देखिए छोटा टैप और बड़ा टैप दोनों मिल करके ऐड किया तो दोनों मिल करके इतना भरा, और दोनों के लिए तो मैंने निकाला था ना कि एक आवर में कितना टैप भरेगा, क्योंकि दिया हुआ था कि इतना आवर में एक टैंक भरता है दोनों मिल के, ये डेटा जो दिया था उसके हेल्प से। अब क्या है, बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लीजिए। इसको इधर करेंगे तो x माइनस 10 एलसीएम लिए ना, इसे डिवाइड किए x बचा तो 8/75। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x-10 x²-10 और ये 8/75। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, x-5 और ये हो जाएगा बाई x²-10 और ये 8/75। ये 2 से 4 बार में काट दीजिए। अब रह गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को जनरेट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना, यहाँ तक तेज नहीं ना हो रहा है, ठीक है, देखते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपके बुक में यहीं से डायरेक्ट डेटा लिया है, मतलब वो रफ में मान के चलता है, लेकिन हम करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्रॉस कर रहे हैं ना, क्योंकि एक डिवाइड और एक डिवाइड मतलब एक बाई रह देगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया 75x और माइनस 5 5 25 और 7 5 35 और तो 37। और इधर करेंगे तो 4 से करेंगे ना दोनों को, 4x² और माइनस 40, ये हो गया 40। अब चलिए सारे को उधर ले चलते हैं ताकि एक साइड लिख पाए, 4x², ठीक है 4x², ये 40x होना चाहिए था, यहाँ पे x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा ना जी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40x होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, देखिए सारे को उस तरफ ले जा रहे हैं लेकिन लिख हम रहे हैं इधर ना, इसको भी उधर ले चलो, तो ये आपका है इतना, इधर हो जाएगा 75x, ये गया उस तरफ तो ये हो जाएगा 375 प्लस, अब देखिए क्या बनेगा, 4x² माइनस 115x 5 और 7 कितना बनेगा 40, तो ये हो गया 5 और 7 4 11, ठीक है एकदम। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म तोड़ेंगे, मिडिल टर्म तोड़ने के लिए इसको इसके साथ गुना करो, मल्टीप्लाई करो, करें इधर रफ है इधर जगह दिखेगा, कर लेते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में, 375 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 7 5 2 3 4 12 8 3 1500 आएंगे, और हमको पता है कि ये क्या करना है, ये तो आराम से टूट जाएगा ना 1500, तो 100 × 1500 अगर 100 - 1500 कर दें तो माइनस माइनस ऐड होगा, 115x हो भी जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 1500 हो भी जाएगा, मिडिल टर्म टूट गया ना इजी, देख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 375 = 0। नाउ देखिए, अब नाउ यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लेते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट हमको आंसर पता है, डायरेक्ट हम आंसर लिखने सिखाएं, जितना में तोड़ेंगे मिडिल टर्म उसका नेगेटिव मतलब इसका नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उससे भाग करेंगे, 1 होता था तो 1 से भाग करने की जरूरत ही नहीं होता था, और ये 15 है तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव कितना होगा 15 होगा माइनस, तो उसका नेगेटिव कितना प्लस होगा ना, उल्टा जो भी है ना उसका उल्टा साइन, और ये 4 से डिवाइड करेंगे, दो वैल्यू आएंगे, ये कितना हो गया 25, और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हम तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, बचा आपका x - 25, यहाँ से -15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 15 × 30 7 15 5 75 = 0। अब एक लाइन और लिखा जाएगा शायद यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, आगे x - 25 को लेंगे कॉमन, इसको कॉमन ले लिए तो ये कितना बचेगा 4x - 15, ये कॉमन लिए तो यहाँ बचा 4x, ये कॉमन लिए तो बचा -15, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 0 के बराबर हो रहा है, मतलब या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है देखिए जरा करें, तो ये कितना है आपका x - 25 = 0, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 4x - 15 = 0, तो यहाँ से आपका x = 25 निकल गया,
और यहाँ से x इज इक्वल टू, आप ऐसे रखो ना 4x इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो एक ही बार कर लेते हैं डिवाइड में 4। एक अगला स्टेप में करते हैं, मल्टीप्लाई उधर गया तो प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो उधर गया डिवाइड। ध्यान दो ये कितना हो रहा है, दो आ गए वैल्यू, दो आ गए, तो एक को तो रिजेक्ट करना है, हो सकता है दोनों ही सही हो जाए, देखते हैं। क्योंकि दोनों अगर मिल के भरेगा तो 9 आवर समथिंग मिनट ले रहा था, 9 3 by 8 का मतलब 9 आवर और कुछ मिनट हुआ। दोनों मिलकर के जब भर रहा था, दोनों मिलकर के टैंक को भर रहे थे तो 9 आवर लग रहा था, जब अकेले अकेले भरेंगे तो पक्की बात है कि 9 आवर से तो ज़्यादा लगना ना चाहिए। तो ये देखिए तो कितना हो गई लगभग, अगर इसको हम देखें तो ये x इज इक्वल टू तो लगभग हो जाएगा आपका 4 3 12 3 3 घंटा लगभग हो रहा, 3 घंटा 45 मिनट हो रहा है लगभग, 60 से गुना करेंगे ना ये आवर में है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 3 by 4 हो रहा है, इसका मतलब 3 आवर लग रहा है लगभग, 3 आवर 45 मिनट या कुछ मिनट लग रहा है, 3 ही आवर के आसपास। जब दोनों मिलके 9 आवर लगा रहे हैं तो अकेले भरेंगे तो 9 आवर से तो ज़्यादा लगना चाहिए था ना, जब अकेले टैप भरेगा तो 9 आवर से ज़्यादा, तो ये वाला वैल्यू है इसलिए ये वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, 3 3 by 4 ये रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू इतना मतलब छोटा वाला टैप को इतना टाइम लगेगा, कितना, 25 आवर। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना होगा, x मतलब 25 आवर एंड टाइम टेकन बाय बिगर टैप कितना, वो x की जगह 25 डालेंगे तो 25 माइनस 10 मतलब कितना हो गया, 15 आवर लगेंगे, है ना, ये 15 आवर लगेंगे, एकदम सही है, इस पर एकदम सही है, ठीक है। चेक कर लेना है तो कर सकते हैं, नहीं तो एकदम सही है, ठीक है। अकेले टैप भरेगा तो पक्की बात है 9 आवर से तो ज़्यादा लगना चाहिए था ना, एकदम 9 आवर से ज़्यादा लगा है, इसको 25 आवर लगेगा क्योंकि स्मॉलर है, और बड़ा वाला थोड़ा चौड़ा होता है तो उससे ज़्यादा पानी निकलेगा, 15 आवर लगेगा अकेले भरेगा तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रोजेक्ट होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, तो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक ही स्पीड से 360 किलोमीटर जा रही है, 360 किलोमीटर जा रही है एक ही स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर 5 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा दे, 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दे, इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस, तो अब 1 घंटा कम लगेगा, अब क्या लगेगा, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, एक ही जर्नी के लिए, मतलब डिस्टेंस वही रखना है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यू स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि या एक्स मान लेते हैं कि लेट इनिशियल स्पीड जो है ना, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो था इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हम लोग मान लेते हैं, इनिशियली का बात कर रहे हैं, लेट इनिशियल चाहे तो लिख भी सकते हैं, इनिशियल का मतलब शुरू वाला स्पीड, x के स्पीड से जा रहा था, तो सीधा ही हम चलेंगे ना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि जो पहले जितना समय लग रहा था और अब जितना समय लग रहा था, बोला कि 5 स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो 1 आवर लेस लगेगा, यही ना। इफ़ स्पीड को इंक्रीज करें 5 से, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम कितना लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा, यही है इक्वेशन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग देखिए टाइम निकालते हैं दोनों का, बचपन से पढ़ के आए हम लोग, समय इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो देखिए जब हम शुरू वाले स्पीड में जा रहे थे तो डिस्टेंस तो हमारे लिए 360 ही था और स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर था, तो इतना टाइम लग रहा था डिस्टेंस बाई टाइम, अरे डिस्टेंस बाई स्पीड इतना टाइम लग रहा था, वही डिस्टेंस को हम 5 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा करके, तो डिस्टेंस वही रखे हैं और स्पीड नया वाला स्पीड कितना हो गया, x प्लस 5, तो ये समय निकल गया, जब नया वाला स्पीड से जा रहे हैं तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस वही रखें, नया वाला स्पीड रखें क्योंकि नया स्पीड से जा रहे हैं इसलिए नया स्पीड रखें, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, फिर टाइम निकल गया, पहले वाला टाइम, नया वाला टाइम, अब वाला टाइम क्या कर रहा, वन आवर लेस, ये समय जो है 1 आवर लेस है, बीच में इक्वल का साइन दिए तो ये 1 आवर लेस है, तो हम इसको 1 आवर लेस करेंगे, अब हो गया बराबर। ध्यान देना है कि डिस्टेंस बाई स्पीड, इनिशियल स्पीड से जा रहा था तो इतना समय निकला, ठीक है, एट द सेम टाइम, इसको अभी ढक देते हैं, डिस्टेंस वही रहा, स्पीड बढ़ा दिए तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो नया टाइम निकला,
नया वाला जो टाइम है ना, नया स्पीड से जाता है तो एक घंटा कम लगता है, वन आवर लेस, तो ये एक घंटा कम है, बराबर करने के लिए हमने एक घंटा इसको कम किया, ये कम था इसको कम किया, उल्टा करते हैं तभी तो बराबर होगा। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्वाड्रेटिक बनेगा 360x, इसको इधर ले आए तो क्या होगा, x प्लस 5 ये 1 हो गया है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 360 को कॉमन ले रहे हैं, तो ये बना 1 माइनस एक्स, 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 360 को ऐसे ही रख रहे हैं और ये इसका इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, डिवाइड करेंगे ख़त्म हो गया, इससे 1 से मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 5, इसे डिवाइड किए ख़त्म, x बना ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, ये x, x ख़त्म ठीक है। अब ये 336 बचे 180 होता है और यहाँ के x0 ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब 1 वन बाई वन लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाक से क्वाड्रेटिक बनाइए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना, इसको पहले लिखते हैं, इसको क्रॉस किए तो कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखते हैं और दूसरा दूसरे तरफ किधर लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इधर भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके उधर भी लिख सकते हैं, जिधर मन करे आपको, इसको पहले लिखा देन इसको, अभी हम इसको पहले लिख रहे हैं देन इसको लिख रहे हैं ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जितना आया लिख लिए, इसको जितना आया लिख लिए। अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस एट, इधर ले आते हैं सॉरी, प्लस 5x, ये हो जाएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तोड़ो तो मिडिल टर्म आराम से टूट जाएगा भाई, कितना होगा, तोड़ना है एक्स स्क्वायर तो 1800 लाना है ना, तो 5 के डिफरेंस पे, तो अगर तुरंत टूटता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे। देखिए तो 1800 को आप फैक्टराइज करके देख लीजिए, ये तो 900 होगा और 2 से करेंगे तो 45, ये 2 से फिर करेंगे तो 2 दूना 4, और ये 5 से 5 चौका 20, 4 25 और ये 5 नवा 45, एक आइडिया मिल जाता है कि कितना कितना में तोड़ेंगे। तो देखिए आपको मिल जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, ये कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, और इधर 5 दिया 15 15 दिया 45 करके देखिए तो 40 × 45 शायद हो जाएगा, 40 और 45 करेंगे, 45 × 180 होता हो गया, नहीं अगर होता तो फार्मूला से तोड़ते सीधा ही हम लोग ना। अब देखिए प्लस माइनस है तो पक्का बात है ना कि घटाने पे निकलेगा, तो बड़ा 45 रखते हैं, प्लस लाना इसलिए, और माइनस 40x, देखिए प्लस माइनस घटेगा माइनस 5x, पहले भी 5x अभी भी 5x, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 18x 1800 हो जा रहा है, 1800x स्क्वायर जो ये आया था ना ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए और यहाँ पे 1800 भी लिखना है, ये छोड़ना नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे, तो अभी तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू माइनस 45 और ये 40, लेकिन अभी हम करके दिखा रहे हैं, मेरा एक बार करके दिखा दे रहा हूँ तकलीफ़ ना लगे, माइनस 40 कॉमन ले लिए, माइनस ले लिए तो प्लस 40 और 45 को भी मल्टीप्लाई किए तो 180 आया है ना, तो ये हो गया 0, ये और ये कॉमन ले लेंगे, x प्लस 45 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देयरफॉर एक बार इसको आप रखो 0 के बराबर और एक बार इसको एक लाइन खींच के 0 के बराबर रखें, बीच में और लगा भी सकते हैं नहीं भी लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 45 जो कि बिल्कुल रिजेक्ट होगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, और x इज इक्वल टू 40 ये सही है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन 40 हो गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन या इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ना हमारा वो x ही तो था, x मतलब 40, और यहाँ जो यूनिट है वो जरूर रखिएगा किलोमीटर पर आवर है ना। देखिए मिला लेते हैं, बहुत तो आसान था, स्पीड मान लिया था, समय दोनों का निकाल लिया, समय बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, दोनों ही केस में डिस्टेंस 160 ही था क्योंकि उसी डिस्टेंस का बात किया था, तो समय बराबर दूरी बटा चलिए फार्मूला का यूज़ किए थे, तो डिस्टेंस था 160, समय लगा था और स्पीड कितना था, x था, तो ये निकल गया था टाइम आने के लिए, जब दूसरी बार कहते तो स्पीड बढ़ा के गए थे, उसमें 5 स्पीड जा रहा था, तो डिस्टेंस वही था, डिस्टेंस बाई स्पीड ये टाइम निकला, नया वाला समय ज़्यादा स्पीड से जा रहे तो कम लगा था, एक घंटा 1 आवर कम ये लगा था, मैंने 1 आवर इसको कम किया, क्वेश्चन रेडी था, बाकी सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनाया, सॉल्व किया, एक्स निकल गया। अब रही बात कि सही बना है कि नहीं, चेक करते हैं, अब जब 40 की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, चेक करते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी डिस्टेंस बाई स्पीड, शुरू वाला स्पीड तो यही था तो 9 आवर लग रहा था, नया वाला स्पीड से जाएंगे तो नया वाला स्पीड क्या होगा, 5 ज़्यादा होगा तो 40 है, तो अभी कितना हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 45 चौका एक्स,
ये हो जाता है ना, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 और 5 × 8 = 40। देखिए 8 आया क्या, मतलब एक आवर कम लगा ना, एकदम सही है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करना है, शेयर भी करना है ताकि वो भी देखें, ठीक है ना, और वीडियो का रेटिंग बढ़ता रहे। देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 आवर कम लगता है टाइम, ठीक है। देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर ट्रेवल करनी है, कितना जी 132 किलोमीटर ट्रेवल करना है बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलुरु। मान लिया मैसूर और बेंगलुरु के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालना है। जिसमें उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो 11 मीटर मोर है, तो मैं छोटा वाला मान लेता हूँ ना, लोकल ट्रेन का, तो लोकल ट्रेन का तो बात नहीं बोला है, एक्सप्रेस ट्रेन बोला और पैसेंजर ट्रेन बोला है, तो हम लोग मानेंगे लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जो हम लोग मानेंगे ना वो एक्स किलोमीटर पर आवर मानेंगे। और बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन है ना, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन उसका स्पीड बोला है कि 11 किलोमीटर ज़्यादा है, इसका एक्स है तो उससे 11 ज़्यादा, मतलब 11 ऐड कर देते हैं तो 11 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और रिलेशन तो ये दे रखा है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन जब जाती है तो उसको 1 घंटा कम लगता है, पहले ही लाइन में लिखा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो अच्छा चलो, तो चलिए तो दोनों का हम लोग क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों का समय का रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो चलिए इधर एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम में रिलेशन है, तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि समय बराबर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना। तो हम लोग पहले निकाल रहे हैं किसका, पैसेंजर ट्रेन का, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए भी तो डिस्टेंस तो वही है ना, दोनों ट्रेन तो ए से बी स्टेशन के बीच ही गई है, मैसूर से बेंगलोर के बीच ही गई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइम निकालते हैं इस पैसेंजर ट्रेन का, तो समय बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई स्पीड, पैसेंजर का स्पीड इतना ही है, और उस केस में हम क्या कर रहे हैं ना कि डिस्टेंस तो 132 एक्सप्रेस ट्रेन के लिए निकाल रहे हैं समय 132, और स्पीड कितना, एवरेज स्पीड इसका इतना, डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका भी समय निकल गया। दोनों में रिलेशन दे रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लगा है, ये एक्सप्रेस आवर का समय है, ये 1 आवर कम लगा, मैं इसको 1 आवर कम करूँगा, इससे क्या होगा, इसको 1 आवर कम करा ना तो अब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं, क्योंकि ये 1 आवर पहले से ही बोला था कि इसका 1 आवर कम लग रहा, मैं इसको 1 कर दिया माइनस, तो अब ये 1 आवर कम हो गया, दोनों हो गया बराबर कि नहीं। यहाँ बराबर देने का मतलब है बराबर लाना है, ये 1 आवर कम है तो मैं इसको करूँगा ताकि बराबर हो जाए, ठीक है ना। अगर ये 1 आवर कम होता ना तो मैं उसका 1 आवर कम करता ताकि टाइम दोनों का बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब बाकी क्या है, सॉल्व करिए, बन गया क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, ये वाली एक्स वाले को एक साथ लाते हैं, इधर आया माइनस 32 1 हो गया, ठीक है। 132 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 132 और इधर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, इसे डिवाइड करेंगे ख़त्म, ये हुआ x प्लस 11 माइनस, इसे डिवाइड करेंगे कितना बचा x, ठीक है। वाह, ये 1 1 ख़त्म हो गया, इजी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर देखते हैं ना, उसको मैं मिटा लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए क्या करना है, 11 को 132 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा आप लिख लीजिए इधर, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 2 = 22, 11 3 = पूरा उठा के की बार पड़ा करिए टेबल, 11 3 = 33 और 2 = 35 हो गया, और 3 = 1452 हो रहा है, कितना हो रहा है 1452, ठीक है।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इधर है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको भी इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, ये देखिए प्लस है इधर आया माइनस। अब इसको मिडिल टर्म तोड़ने में हमको देख के ही लग रहा है कि तकलीफ होने वाला है, लगाएंगे डायरेक्ट फार्मूला बिना सोचे समझे, तुरंत फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स इज इक्वल टू, हमको पता है क्या फार्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये अंडर रूट, यही था फार्मूला। फार्मूला से हम लोग सॉल्व करने सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो पीछे वाला वीडियो में जाइए और देखिए, वहाँ पे तीनों मेथड सॉल्व करने दिखाया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फार्मूला। देखिए हम बता चुके थे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलेंगे और ये वाला सी कॉन्स्टेंट होता है साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये मैं इधर ही कर लेता हूँ ना, इधर तकलीफ हो जाए, एक लाइन लिख लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी, मतलब यहाँ माइनस है, माइनस बी के जगह हम लोग 11 लिखेंगे, प्लस माइनस इसको नहीं लिखना है हो सके तो, बी कितना है डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग फार्मूला अप्लाई किया करिए, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर एक ही बार निकालें 121, कि लिख दूँ एक बार, लिख देता हूँ 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a के जगह यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 और कॉन्स्टेंट हम देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 1452 साइन के साथ लिखा जाता है, डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2 और a के जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ इधर ना, ठीक है, आराम से देखिए क्या होगा आगे देखते हैं। तो ये इधर x की वैल्यू निकल रही है ना, x की वैल्यू निकल रही है माइनस 11, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो गया और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा प्लस हो गया और 4 से कर लेते, 4 बजे 4 और 8 4 2 जा 8 4 5 जा 20 और 14 चौका 56 और 2 58 हो गया 58 डिवाइड बाई 2। अब ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस, ये कितना होगा जी ऐड करिए तो 190 और 2 8 और 19 और ये हो गया 5 डिवाइड बाई 2। देखिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग इधर करते हैं, स्क्वायर रूट भी ज़रूरी है, 7 जा कितना हो जाएगा 49, 10 हो जाएंगे 7 14 कैरी 1 और 29 हो गया। यहाँ देखिए कितना हम लोग लिए 7 लाना है तो 9 कैसे आता है, 3 जा 9, ठीक है, और आता है 7 जा भी तो 7 बार में हो जाएगा, 7 जा और 14 98 और 4 102 एकदम आ गया, पूरा कट गया, ठीक है, कितना बार 7 बार, इसका डबल भी आता है यहाँ पे देख लीजिए, 77 का डबल 114 होता है, यहाँ रहा 114, ठीक है 114। तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे स्क्वायर रूट जो आया वो कितना आया 77 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस लेनी है एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या करना है कॉमा लगा लेना है और माइनस, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, इसको ऐसे ही रिजेक्ट करेंगे, अगर हम चाहें तो बीच में लाइन भी खींच सकते हैं ना, ये दोनों एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस घटेगा तो ये 66 हो गया, 66 बाई 2 तो कितना हो गया 33 ना, नहीं 67 होगा, सॉरी 77 में नहीं 66 ही होगा 16, हाँ ठीक है। और इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये जो भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, 8 और 7 और 1 कितना हुआ 8 माइनस 2, इसको फटाक से हम लोग रिजेक्ट करेंगे कॉमा लगा करके, ये 2 44 हो गया। तो x का जो वैल्यू आया 2, यहाँ पे इधर मिटा के मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं दिखे ना उधर, तो देखिए ये क्या होगा, ये x की दो वैल्यूएं आई, ये x का वैल्यू कितना आया 33 है ना, और x की वैल्यू एक और क्या आई, और x इज इक्वल टू माइनस 44, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करिए ना रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो x का वैल्यू क्या आ गया 33 आया, देयरफॉर ये किसका स्पीड है जी, किसका स्पीड है, ये स्पीड तो है पैसेंजर ट्रेन का, x का मतलब किसका, पैसेंजर ट्रेन का, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का स्पीड मतलब कितना एक्स, एक्स का मतलब कितना 33, उसको रिजेक्ट किया था ना क्योंकि नेगेटिव आ गया था 33 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, वो एक्स प्लस 11 मतलब 33 प्लस 11 मतलब कितना हो गया 44 है ना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, दोनों का टाइम का रिलेशन अभी तो मैं मिटा दिया हूँ, दोनों का टाइम निकालना था। इसका एक आवर कम लग रहा था एक्सप्रेस ट्रेन का, तो मैं उसका वन आवर कम किया था, फिर तो सॉल्व कर लिया था। रही बात यह सही है कि नहीं चेक करने के लिए, दोनों का समय निकाल के देखते हैं। समय इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए कितना समय लगेगा, 100 डिस्टेंस तो वही है और स्पीड आया है 33, ठीक है ना। 11 से काट दीजिए इसको, 11 से काटेंगे तो 11 वन जाए 11 ये 2, इसको 4 घंटा लगेगा। किसको 4 घंटा लगेगा, पैसेंजर को, और एक्सप्रेस को कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगना चाहिए। देखिए लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई, उधर मैं दिखा था कि नहीं पता नहीं, चेक करके मैं इधर दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है ना। देखिए चेक करके दिखाता हूँ सही है कि नहीं दोबारा से ना। तो पैसेंजर के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो पैसेंजर के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है ना, तो समय कितना लग गया, समय इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 33 आया है 3 बार में और ये 2 बार में, इसका 4 घंटा लगा। और इसको निकालिए तो इसका हो गया डिस्टेंस तो वही रहेगा और स्पीड इसका आया 44 एक्सप्रेस के लिए, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में और ये तो 12 बार में कट रहा था। देखिए 3 घंटा लगा एक्सप्रेस का, 3 घंटा लगा है और पैसेंजर को 4 घंटा लगा है, तो देखिए ऑब्वियसली एक आवर इसको कम लगा है, मतलब हमारा बना है वो सही है। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन में एकदम कॉन्फिडेंस होता है कि गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है 4.3 का ही 11 है क्वेश्चन, प्रोजेक्ट होगा ऊपर, ठीक है देख लीजिएगा आप लोग। साथ में क्वेश्चन पढ़ना भी है और एनालाइज करके क्वेश्चन बनाना है, जैसे मैं 7 बनाऊँ पैरेलली आपको ही बनाना है, और हो सक और कॉपी पेन में साथ में नोट भी करते जाना है, ठीक है ना, तभी क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर मतलब दो स्क्वायर है, हो सकता है एक ऐसा स्क्वायर हो बड़ा हो, एक हो सकता है छोटा स्क्वायर है, दोनों के एरिया का सम बोल रहा है 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के साइड को फाइंड करो। तो मैं मान लेता हूँ इसके स्क्वायर के साइड को x, ठीक है, तो इसका साइड को हम लोग मान लेते हैं y, है ना। तो चलिए इसे शायद बन जाएगा मेरा, लेट साइड ऑफ ईच साइड, ईच साइड ना क्योंकि साइड तो सारे इक्वल ही होते हैं, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है हम लोग क्या मान लिए x स्क्वायर मीटर है ना, तो x मीटर मानेंगे, ठीक है। एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का साइड को हम लोग y मीटर मान लेते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के एरिया के बीच का जो सम है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एरिया मतलब क्या, एरिया का मतलब इसका एरिया कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड मतलब x स्क्वायर, साइड इंटू साइड, स्क्वायर के एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, या यू कह लो कि साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले का एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड मतलब एक्स एक्स मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, दूसरे का एरिया वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया मतलब साइड का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, एरिया मतलब ये वाली जगह, दोनों के एरिया का सम दे रखा था कितना 468 है ना। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ये क्वेश्चन वन हो गया, इससे अगर हम चाहें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर निकालें, ठीक है एक्स स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, तो क्योंकि पेरीमीटर का डिफरेंस है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि पेरीमीटर वाले से एक्स और वाई करेंगे, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन में बोला था इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस, तो पेरीमीटर किसका बड़ा होगा, ये बड़ा सवाल है ना, तो हम लोग ये फर्स्ट को मान लेते हैं ना कि सेकंड को हम लोग बिगर माने हैं, मान लिए हैं, एंड इधर लिख दीजिएगा अगर साइड में अगर जगह होगा कि लेट ये वाला बड़ा है, हम लोग क्या माने हैं, एंड ये भी मान लेंगे कि एक्स से बड़ा वाई है ना, एक्स से बड़ा वाई है,
ठीक है, तो डिफरेंस, तो अगर x बड़ा, x से बड़ा वाई है तो पक्की बात है इसका भी पेरीमीटर बड़ा होगा। अगर साइड ये बड़ा है तो ये बाउंड्री के लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं, नहीं बाउंड्री के लेंथ को। साइड अगर y बड़ा है तो ये चारों का सम बड़ा ही होगा ना इसके चारों के सम से, है ना। ये इसीलिए मैं मान लिया क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में बोला था ना पेरीमीटर का डिफरेंस, तो मैंने बड़ा बड़ा माना है वाई को, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का 4a। पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4 साइड होता है, इसका पेरीमीटर बड़ा होगा, इसका पेरीमीटर छोटा होगा, इसका 4x, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस वो दे रखे हैं कितना 24। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों के हेल्प से हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास, ये बचा 4 से इसको काट देंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा ना कि x या y का वैल्यू निकाल लेता, मान लीजिए y निकाला मैं, तो माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 6 हो गया, या y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करें क्या बनेगा हमारा, 9/1 से चलेंगे ना, 9/1 से चल रहे हैं, 1 इक्वेशन 1 से चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस वाई के जगह हमने भरना है 6 प्लस एक्स, पुट कर दिया, वाई का वैल्यू भरा इतना, इक्वेशन 2 है, y का वैल्यू बड़ा स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे और ये 468, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही ये टूटेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट तोड़ना है हमको, कैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे मैं इसको भी तोड़ूंगा। चलिए पहले तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ूंगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, प्लस था वो भी दे दिया, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस बी स्क्वायर, ये बी है एक्स, तो एक्स के स्क्वायर प्लस करना है 2ab, तो पहले मैं बोला कि a और b को मल्टीप्लाई करिए, 6 और x को मल्टीप्लाई किया 6x, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 6x इंटू 2 तो 12x। एक ही बार ना, मैं ऐसे नहीं करता, 2 इंटू ए प्लस बी वैसे भी तो 12x ही होगा ना, डायरेक्ट आपको करने सीखना है, पूरा अभ्यास बनाना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ab हो गया, देन 2 से मल्टीप्लाई करना 6x, 2 से मल्टीप्लाई किया 12x, और इधर है आपके पास कितना है 468। अब क्या करेंगे हम, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये है आपके पास 12x, इसको इधर ले आते हैं ना, तो इधर आएगा तो आपके पास 36 है, इधर आएगा 468 माइनस में, जीरो हो जाएगा ना। अब बताइए क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से 6 गया कितना हो गया, मैं बड़ा का साइन माइनस, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया 432। देखिए 2 सब में कॉमन है इक्वेशन में, तो 2 से हम भाग कर रहे हैं, 2 6 2 2 2 2 1 2 6 = 12, मिडिल टर्म तोड़ना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताइए, कितना होगा 216 होगा ना, तो 216 कैसे आता है मल्टीप्लाई करने पे, 6 का डिफरेंस पे, तो 6 का डिफरेंस पे अगर दिक्कत हो रहा है तो 28 दिक्कत हो रहा है, फटाक से फॉर्मूला, अगर एक बार में नहीं टूटा कैलकुलेशन में आया, फटाक से फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। ये फॉर्मूला को बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिखा हूँ, आपको यहीं से अभ्यास करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी तो x के जगह माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a के जगह आपको a रखना है, और c के जगह आपका जो भी है वही रखना है, इधर मिटा के लिखते हैं ना फटाक से। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ का नीचे है ना 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट को ये बोलेंगे ना, तो यहाँ ये जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, x ही तो निकल रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, और ये देखिए 36 ये हो गया, और प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एक चौका 4 × 2 = 800 और 16 × 4 = 64, 864 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 864 और 36 जोड़ेंगे 900 / 2। अब बताइए ये क्या होगा,
900 का तो स्क्वायर रूट इसका निकल गया 3 और 2 जीरो का 1 जीरो निकलता है बाई 2। अब रहा सवाल ये दो बार रखना है ना, तो एक बार हम लोग को प्लस रखना है एंड एक बार क्या रखना है माइनस, एक बार माइनस। ये कुछ भी आएगा तो नेगेटिव आएगा और एरिया जो है ना साइड है ना, एक्स और वाई क्या है साइड है, तो एक्स और वाई जब साइड है तो मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई जब साइड है तो मैं क्या करूँगा कि सीधा ही इसको रिजेक्ट कर दूँगा, इसको क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया भाई, ये तो 24 बाई 2 मतलब कितना 12, ये x 12 आ गया, x 12 आ गया मतलब क्या, x मतलब किसका साइड, छोटे वाले स्क्वायर का साइड, x इज इक्वल टू 12 आ गया। और मेरे पास इक्वेशन मिटा हुआ है, इक्वेशन क्या था कि दोनों के एरिया का सम जो था 468 था, पहला इक्वेशन क्या था सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, वो इक्वेशन वन था ना बनाया था हमने, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, इसको रिजेक्ट कर दिए क्योंकि नेगेटिव है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है और एक्स लेंथ है ना, ये लेंथ नेगेटिव नहीं होता क्योंकि अगर थोड़ा भी लेंथ होगा तो पॉजिटिव होगा। तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे 12 डालेंगे देन वाई का वैल्यू आ ही जाएगा, एक्स का वैल्यू 12 डाला तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स का जगह 12 डाला तो ये कितना हो जाएगा आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाई स्क्वायर ये उधर जाएगा घटेगा 468, 144 उधर गया तो माइनस 144 और ये आपका हो गया 8 में 4 6 2, ठीक है ये 4 और 6 में से 4 गया 2 और 4 में से ये गया 3, तो ये भी स्क्वायर फिर उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो ये 324 और ये पता है 324 18 का होता है, y बराबर क्या आएगा प्लस प्लस माइनस दोनों 18, प्लस माइनस दोनों 18 आएगा बट लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है, लेंथ नेगेटिव होता नहीं है तो माइनस 18 को रिजेक्ट कर देंगे, केवल 18 रह गए ना, तो 18 रह गए तो साइड ऑफ फर्स्ट, देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड हो गया वो x मतलब कितना 12 मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, और जो सेकेंड स्क्वायर है सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड स्क्वायर का साइड कितना आ गया 18, ये हम लोग माइनस 18 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता है इसीलिए, है ना, एकदम सही बना है, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, तुरंत तो चेक हो जाता है। कहा था कि दोनों, पहला था कि दोनों को, दोनों का एरिया का सम 468 है, चलिए इसका एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर 12 है, साइड तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 एरिया हो गया, इसका निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 ऐड करिए कितना हो जाएगा 468, दोनों के एरिया का सम 468, एरिया में सेटिस्फाइड कर गया। बोला था कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो शायद बोला था कि पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस कितना है 24 है, तो चलिए बड़े वाले का पेरीमीटर निकालते हैं, बड़े वाले का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है तो 18 है साइड तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 इंटू 4 ये हो गया कितना हो गया 72 और इसका 4 इंटू ए तो कितना हो गया 48, डिफरेंस निकाल के देखिए 4 और इधर हो गया 24। बोला ही था कि दोनों के पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का साइड, बाउंड्री का लेंथ सॉरी, तो बाउंड्री का लेंथ तो 4 ही होता है ना। ठीक है एक और क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है थकना नहीं है, ठीक है ना आगे करते हैं, ठीक है वीडियो को आप शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना आगे करते हैं।